नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल एक बार फिर आपके साथ, और आज हम लोग फार्मा सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जल्दी ही एक बुरी खबर आई है अमेरिका की तरफ से फार्मा सेक्टर्स के लिए, फार्मा कंपनीज के लिए, और अमेरिकन कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है भारतीय 5 बड़ी दिग्गज फार्मा कंपनियों को। उन्होंने एक पिटीशन डाली थी और उस पिटीशन में जो उनका जो यू नो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो इन कंपनीज के अगेंस्ट आया है। और क्या ऑर्डर आया है ये मैं आपको बता देता हूँ। US कोर्ट ने भारतीय फार्मा कंपनी को दिया बड़ा झटका, भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए बुरी खबर। भारतीय फार्मा कंपनियों को US कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकन कोर्ट ने भारतीय फार्मा कंपनियों के प्राइस रिंगिंग चार्ट के पिटीशन डाली थी चार्ज हटाने के लिए, याचिका खारिज कर दी है। मतलब इन्होंने एक याचिका डाली थी जिसमें इन्होंने कहा था कुछ प्राइस रिंगिंग चार्जेस होते हैं जिनको हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और ये एक बड़ी नकारात्मक खबर हो सकती है साबित फार्मा कंपनीज के लिए। उस वक्त जब पूरा ही इंडियन मार्केट बुरी इस तरह से धराशाही हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फार्मा सेक्टर ऑलरेडी पहले से ही काफी दबाव में इस वक्त चल रहा है, और उस वक्त ये खबर आना एक और कहते हैं सोने पे सुहागा जैसे असर कर सकता है। और कल हमें एक अच्छी गिरावट फार्मा कंपनीज के इन कम से कम 5 शेयर्स में, सन फार्मा, डॉक्टर रेडीज, ग्लेनमार्क, वॉकहार्ट एंड ल्यूपिन में देखी जा सकती है, और अदर फार्मा सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं उनमें भी हमें कल नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है इस खबर के दौरान। तो कौन कौन सी 5 कंपनी है, ये सन फार्मा के बारे में देखिए, सन फार्मा का चार्ट हम लोग एक बार खोल के देखेंगे। तो ये मंथली चार्ट है और सन फार्मा में जो गिरावट है वो अगर कंटिन्यू, अगर ये बनती है इस खबर का अगर नकारात्मक इम्पैक्ट आता है, तो मुझे लगता है कि जो सन फार्मा जो वीकली चार्ट आपका रहेगा वो यहाँ तक सपोर्ट लेगा नीचे आके लगभग 550 के आसपास, यानी कि यहाँ से लगभग 50-60 रुपए की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में सन फार्मा के अंदर। तो 550 का टारगेट हो सकता है डाउन साइड में सन फार्मा का, अगर ये खबर नेगेटिवली मार्केट लेता है, और अपसाइड का जो रेजिस्टेंस रहेगा सन फार्मा के लिए वो रहेगा 680 रुपीज़ का। एक बार 680 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो सन फार्मा एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट चूंकि खबर नकारात्मक है ट्रेंड लोअर लो लोअर हाई बन सकता है, और अगर ऐसा होता है देन सन फार्मा कम से कम 550 रुपये का स्तर छुएगा एक्सपायरी तक, यानी कि थर्सडे 25 अक्टूबर तक। उसके अलावा लूपिन की बात आती है, देन लूपिन में भी ये वीकली चार्ट की बात करते हैं हम लोग, तो जो गिरावट का जो दौर रहेगा और उस गिरावट में जो प्राइस चार्ज आ सकता है इनका वो लगभग 780 की रेंज में आ सकता है, यानी कि यहाँ से तकरीबन 80-90 रुपए की गिरावट हमें लूपिन में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और अगर ये गिरावट कंटिन्यू रही तो और भी ज़बरदस्त पैनिक हो सकता है, बट अगर पॉजिटिवली अगर रिएक्ट हुआ, देखिए शॉर्ट टर्म में पैनिक आ सकता है, लेकिन जो लूपिन का जो रेजिस्टेंस है अपसाइड का वो है 993, यानी 1000 रुपीज़ के ऊपर अगर एक बार लूपिन बंद हो जाता है देन आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखा सकता है। बट फिलहाल कल के लिए देखने की बात है कि इस बड़ी खबर का, जो कि US कोर्ट ने इन 5 कंपनीज को झटका दिया है, इनकी प्राइस रिंगिंग चार्ट हटाने की जो याचिका थी वो खारिज हो गई है, और अगर ये नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट नेगेटिवली लेता है तो यहाँ से स्टॉक में गिरावट आपको लगभग 70-80 रुपए की देखने को मिल सकती है। तो अलर्ट रहिएगा, अलर्ट वीडियो है, आप अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ तक प्राइस में लोअर साइड जा सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी में भी आप देखिएगा जो प्राइस है, जो एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस है डॉक्टर रेड्डी का तकरीबन 2670 रुपए का, यानी कि 2675 के ऊपर एक बार डॉक्टर रेड्डी बंद होगा देन वीकली चार्ट पे तो उसमें एक तेजी और आपको देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ और रिवर्सल आया देन आपको नीचे के लेवल तकरीबन 2400 रुपए तक, 2350 से 2400 रुपए तक डॉक्टर रेड्डी के अंदर आने वाले दिनों में या एक दो हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा फिलहाल मुझे वीकली चार्ट पे अच्छा नजर आता है, और इसमें अगर गिरावट रही तो बहुत ज़्यादा गिरावट दबाव नहीं रहेगी, 575 से 580 का जो लेवल है बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है ग्लेनमार्क फार्मा का, और अपसाइड में जो ग्लेनमार्क फार्मा का जो टारगेट रह सकता है वो लगभग 700 रुपीज़ का रह सकता है। तो अगर इस खबर का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा ग्लेनमार्क फार्मा पे तो स्टॉक ऊपर की तरफ आपको आने वाले 2-3 हफ्ते में तकरीबन 700 रुपीज़ तक का लेवल भी दिखा सकता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल और जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखेंगे वो 575 रुपीज़ का क्लोजिंग चार्ट पे रखेंगे वीकली कैंडल पे, ठीक है। तो ये ग्लेनमार्क फार्मा का बताया मैंने आपको।
एंड वॉकहार्ट काफ़ी करेक्ट हुआ है। वॉकहार्ट पिछले कुछ महीनों में या हम कहेंगे लगातार गिरावट का दौर वॉकहार्ट में, जबकि इसका जो हायर लेवल टच किया था लगभग 2200 रुपये का हायर लेवल टच किया था वॉकहार्ट ने 15 मार्च 2013 को, उसके बाद दूसरा टॉप बनाया था इसने 1 अप्रैल 2015 को, और उसके बाद 15 जनवरी 2016 के बाद से लगातार बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और अब वॉकहार्ट के अंदर अगर मैं लेवल्स को देखता हूँ तो मुझे लगभग 350 रुपये का टारगेट वॉकहार्ट में नज़र आता है, क्योंकि वीकनेस कंटिन्यूसली बढ़ रही है इस स्टॉक के अंदर, और 350 रुपये 350 रुपीज़ एक बड़ा सपोर्ट लेवल रह सकता है जहां पर इस स्टॉक को एक होल्ड मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तब ये वहां से कुछ आपको अप मूव दिखाएगा, अदरवाइज फिलहाल वॉकहार्ट के लिए 350 रुपये का टारगेट है अगले कुछ महीने के अंदर। तो दोस्तों ये हमने 5 शेयर्स के बारे में बात बताई आपको, फार्मा कंपनीज के, अदर जो फार्मा है जितना अरविंद फार्मा हो गया आपका, अलेम्बिक फार्मा हो गया, और मॉर्बिन लेबोरेटरी हो गया आपका, मैक्सिम फार्मा होगा, तो इन फार्मा सेक्टर की कंपनीज पर भी आप नज़र बना कर रखिएगा। अगर इनका नेगेटिव इफेक्ट कल आता है तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर में एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही मैं आपको इंडेक्स के बारे में जरूर बताऊंगा कि निफ्टी फार्मा का इंडेक्स क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो निफ्टी फार्मा का जो शेयर इंडिकेशन दे रहा है, सो निफ्टी फार्मा भी कोई बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं बता रहा है, और मुझे लगता है कि जो निफ्टी फार्मा का जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 9380, अगर कल 9649 का रेट चल रहा है, 9380 इसका सपोर्ट लेवल है, तो वो आप मेंटेन करके रखिए। अगर उसके नीचे जाता है निफ्टी फार्मा तो आपको एक बड़ी गिरावट फार्मा इंडेक्स के अंदर और फार्मा शेयर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। सो वीवीआर सावधान रहिए, और फार्मा कंपनी का ऑलरेडी पहले से काफ़ी दबाव में चल रही है, और ये खबर फार्मा कंपनीज के लिए कुछ और बड़ा झटका साबित हो सकती है या नहीं ये हम देखेंगे कल के मार्केट में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल मनी ट्री। पहली बार जो लोग आए उनसे यही कहूंगा दोस्तों कि हम लोग आप लोगों के लिए भरपूर प्रयास करते हैं ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मुहैया करा पाए, और अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल का अगर प्रेस करेंगे तो आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को, खुश रहिए हमेशा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।